हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नाइस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जीके नाइस यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ों को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी ने रिजल्ट घोषित करने का सिलसिला जारी कर दिया, क्योंकि दो रिजल्ट जारी किए हैं यूपीपीएससी ने। एसीएफ 2015 मेंस में 89 अभ्यर्थी सफल और लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के 3 साल बाद जारी किया यह परिणाम। सहायक निदेशक खनन इंजीनियरिंग का रिजल्ट भी घोषित किया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार के दिन यानी कल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सहायक वन संरक्षक एसीएफ 2015 की मुख्य परीक्षा का परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया, जिसमें 89 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया है। आयोग ने इस परीक्षा का रिजल्ट 3 साल बाद जारी किया। एसीएफ 2015 की मुख्य परीक्षा वर्ष 2016 में 9 से 11 अगस्त तक प्रयागराज और लखनऊ के केंद्रों पर आयोजित की गई थी। एसीएफ के 24 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य रूप से कुल 2753 अभ्यर्थी शामिल हुए। मुख्य रूप से परीक्षा का रिजल्ट आयोग की वेबसाइट और आयोग के कार्यालय की सूचना बोर्ड पर उपलब्ध है। यूपीपीएससी की परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ अंक आदि की सूचना अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद जारी किया जाएगी। इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इंटरव्यू के बारे में अलग से सूचना जारी की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और खनन इंजीनियरिंग का रिजल्ट भी यूपीपीएससी ने जारी किया, तो यानी कि यूपीपीएससी ने रिजल्ट घोषित करने का सिलसिला यहाँ पर जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए डेली मेहनत करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नवंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पूरी होने के आसार, 1.5 माह में पूरे होंगे 20 विषयों के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू। अशासकीय कॉलेजों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया नवंबर में पूरी होने की उम्मीद है। पहले चरण का इंटरव्यू पूरा हो चुका है, 2 सितंबर से दूसरे चरण का इंटरव्यू होने जा रहा है और इसके बाद अन्य चरणों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से पहले चरण में विज्ञापन संख्या 46 के तहत 1 विषय वाणिज्य और विज्ञापन संख्या 47 के तहत 14 विषयों का इंटरव्यू एवं रिजल्ट जारी किए जाने की प्रक्रिया 21 अगस्त को पूरी की जा चुकी है। आयोग को विज्ञापन संख्या 47 के तहत कुल 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पद पर भर्ती करनी है। पहले चरण में आयोग ने 29 जुलाई से 21 अगस्त तक विभिन्न तिथियों में इंटरव्यू का आयोजन कराया। इस दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर के 138 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया। तो ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ और इंटरव्यू के लिए 10 नए अभ्यर्थी भी पाए गए अर्हत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 22 अगस्त से सांख्यिकी अधिकारी के पदों के लिए इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है। इंटरव्यू के लिए अपात्र घोषित अभ्यर्थियों ने बुधवार को आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार से मिलकर शिकायत दर्ज कराई कि उनके अभिलेखों की जांच ठीक से नहीं हुई, इसी वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की छटनी हो गई। इसे देखते हुए आयोग ने अभिलेखों की जाँच दोबारा कराई और 10 नए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए अर्ह पाया गया। सभी को इंटरव्यू के लिए 30 अगस्त को आयोग में बुलाया गया है। सांख्यिकी अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल 1183 अभ्यर्थियों में से 803 अभ्यर्थियों को अभिलेख की जांच के आधार पर इंटरव्यू के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया था। इसके बाद इंटरव्यू के लिए 323 अभ्यर्थी ही बचे और आयोग को 373 पदों पर भर्ती करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और जेईई मेन की परीक्षा 6 जनवरी और नीट एंट्रेंस 3 मई को। एनटीए ने 2020-2011 के सत्र के लिए यूजीसी नेट जीपैट समेत 13 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, परीक्षा कैलेंडर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-2011 में जेईई मेंस, नीट, यूजीसी नेट, सीमेट, जीपैट आदि 13 परीक्षाओं का शेड्यूल फाइनल कर दिया है। इस बार इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई मेन की परीक्षा अगले साल 6 जनवरी को और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नीट एंट्रेंस 3 मई को आयोजित किया जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 विषयों का लटकेगा रिजल्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर लेटेस्ट न्यूज़। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के मिशन में जुटा है। पहले चरण में 15 विषयों का इंटरव्यू कराकर परिणाम जारी कर दिया है। द्वितीय चरण का इंटरव्यू 2 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन आयोग शिक्षा शास्त्र व समाजशास्त्र विषय के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। दोनों विषयों का मामला कोर्ट में लंबित होने से उसके लिखित परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो पाया। विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों की लिखित परीक्षा कराई गई। आयोग ने 33 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर चुका है, जबकि 2 चरणों में मिलाकर कुल 21 विषयों का इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया है। वहीं 2 से 20 सितंबर तक चलने वाले द्वितीय चरण में
इंटरव्यू में अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, पादप रोग, शारीरिक शिक्षा, कीट विज्ञान, उर्दू विषय के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ था, और कुछ खास नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।